मध्य प्रदेश के कई शहरों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रदेश सरकार चिंतित हो गई है। उज्जैन में भी बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद चिकन दुकानों को बंद करवा दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बीच बर्ड फ्लू की दस्तक ने मध्य प्रदेश के कई जिलों की चिंता को बढ़ा दिया है। उज्जैन में भी बर्ड फ्लू की दस्तक होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया और यहां की चिकन दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। साथ ही जहां बर्ड फ्लू मिला है उसके आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया में पोल्ट्री फार्म को भी बंद करवाया जा रहा है। मामले में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि यहां की 7 दिनों के लिए ये कार्रवाई की गई है। जहां पर मृत पक्षी मिले हैं उन्हें जमीन में गाड़ने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, इसमें जो एक स्ट्रेन मिला है एवियन इन्फ्लुएंजा का, वो यहां के भी कौओं में मिला है और उसको देखते हुए खास तौर पर जो पोल्ट्री है हमारी और जहाँ जहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं उससे 1 किलोमीटर के दायरे की सारी पोल्ट्री जो है वो बंद कर दी गई हैं, जिससे कि और 7 दिनों के लिए ये कार्रवाई करी गई है। ये विशेष सावधानी के तौर पर इस चीज़ को किया गया है। हालांकि अभी पोल्ट्री में कहीं पर भी इसके फैलने की अभी कोई भी खबर नहीं मिली, केवल कौओं में और कबूतरों में ही इसका अभी तक प्रसार पाया गया, लेकिन फिर भी एहतियातन हमारे द्वारा कदम उठाया गया है और इसके साथ साथ जहाँ पर भी इस प्रकार के मरे पक्षी पाए जा रहे हैं उनको तत्काल जमीन में खोद के जो है गाड़ दिया जाए, ऐसी गाइडलाइन दी गई है जिसका पालन भी लगातार हो। बहरहाल देखें तो बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद जिला प्रशासन काफी मुस्तैदी बरत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।